हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर अपना जैन वशिष्ठ एकेडमी। और आज का वीडियो है रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और ये मेंस एडवांस के बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर को करने का समझने का क्वेश्चन करने का लॉजिक समझ आया है, तरीका समझ आ जाता है, तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। जो मेन इसमें इंट्रोडक्शन में तीन चीज़ें आती है, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन के कंपोनेंट्स, यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। असल में जब भी एक रिएक्शन होता है तो उसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, और दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली अकर करते हैं, यानी कि दोनों साथ में अकर करते हैं। ठीक है, तो अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी होगा। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होता है मेनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये रिएक्शन है 2Mg + O2 gives 2MgO, तो यहाँ पे Mg में O जुड़ा है और MgO बना है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ये भी होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में H2S + Cl2 gives 2HCl + S, इसमें H2S से S बन रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, थर्ड है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Fe के पहले पॉजिटिव चार्ज था 2, बाद में हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव चार्ज में, इसलिए ये भी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहा है तो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है SnCl2 gives SnCl4। तो यहाँ पे पहले Sn का जो ऑक्सीडेशन नंबर था, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, SnCl2 ऑक्सीडेशन नंबर था पहले +2, पर अब हो गया है SnCl4 का, तो मैं Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वहाँ पर भी होता है ऑक्सीडेशन, जिसका इंक्रीज कर रहा है उसका ही ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, उसी एटम का ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए Sn gives Sn+2 electrons, यानी कि इसमें पहले यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 था, फिर 4 हो गया, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए हैं। तो जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी एटम में से, तब भी ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ से 2 अलग हो जाते हैं, यानी कि कम हो गए। ठीक है, तो 2 इसने दान कर दिए, तो इधर भी होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली 5 मेन चीज़ें होती है। ठीक है, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिर होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और होता है अपना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन होता है बेसिकली इसका सब कुछ उल्टा, यानी कि यहाँ हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, S+H2 gives H2S, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, CuO से बन गया Cu, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे था इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होगा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका पॉजिटिव चार्ज 3 था, अब यहाँ पर 2 बन जाता है, तो यहाँ डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होगा अपना, यहाँ पर था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, पर यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है Mn का, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तब होता है रिडक्शन। और लास्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब होता है रिडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 चीजें होती है ऑक्सीडेशन, ये 5 चीजें होती है रिडक्शन। रिडक्शन को हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीजें डिफाइन करती है ऑक्सीडेशन को, ये 5 चीजें डिफाइन करती है रिडक्शन को, और यही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और जब भी दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये है मान ली H2S + Cl2 gives 2HCl + H, ठीक है,
तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे H2S में से H रिमूव हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे Cl2 में H प्लस हुआ तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो हमेशा हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ में होती है, इसीलिए उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग वगैरह में, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर अभी थोड़ा सा मैं आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर एक हम कह सकते हैं एक टाइप ऑफ इमेजिनरी चार्ज होता है। जब एक एटम एक एलिमेंट का कन्वर्ट होता है उसकी फ्री एलिमेंटल स्टेट से एक कंबाइंड फॉर्म, मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में, तो उसमें जो उसका चेंज आता है उसके चार्ज में, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और वो इमेजिनरी होता है। और उसे बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए हम एक तरीका, एक मतलब एक टेक्निक यूज करते हैं कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रीफली ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।